तो जैसा मैंने कहा कि जिस घड़ी एक स्थान को नियत कर लिया जाता है मंदिर बनाने के लिए, फिर वहां जो धन आता है वो धन नहीं है, वो दान है। वहां जो श्रम किया जा रहा है वो शारीरिक श्रम नहीं है, वो सेवा है। ठीक ऐसे ही जिस घड़ी आप अपने मन को मंदिर बनाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाएंगे, फिर आप जो करेंगे वो सेवा है। फिर आप धन का उपार्जन कर रहे हैं, वो धन का उपार्जन नहीं है, वो भी सेवा है। आपसे जो होगा वो सेवा होगा। और जीवन का उद्देश्य शुद्ध नहीं है, आपके जीवन का लक्ष्य शुभ नहीं है, फिर आप भले कितना शुभ कर्म करिए, फिर आप भले संसार में कितने दानवीर हो जाइए, लेकिन अंततः परिणाम शून्य है, क्योंकि आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य शुभ नहीं है। और ये विवेक जगता है कब? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। कभी मन करे एकांत में इस बात का विचार करने का कि मुझ पर प्रभु की कृपा है या नहीं, और है तो कितनी कृपा है, तो केवल एक ही कसौटी है प्रभु की कृपा की कि आपके जीवन में सत्संग अथवा सत्संग की अभिलाषा है। यदि आपके जीवन में सत्संग है, यदि सत्संग के रस का पान करने के लिए आपके हृदय में तृषा है, आपके हृदय में सत्संग के लिए व्याकुलता है, आप पा रहे हैं नहीं पा रहे ये बात अलग है, आप पाना चाहते हैं कि नहीं, यदि आपके जीवन में ये है तो भगवत कृपा है, नहीं तो भेद केवल इतना है कि कोई लोहे के पिंजरे में बंधा है और कोई सोने के पिंजरे में, कोई अपने सिर पर मिट्टी की और पत्थरों की बेगार ढोता है और कोई अपने सिर पर हीरे और मोती की बेगार ढोता है, केवल इतना ही भेद है, इससे ज्यादा नहीं। बोझ सबके सिर पर है, बंधन में सभी बंधे हैं। भगवत कृपा की कसौटी अगर जाननी हो, यदि आप स्वयं को कसना चाहते हैं इस कसौटी पर कि जीवन में भगवान की कृपा है या नहीं, तो सबसे पहली बात यही है और सबसे अंतिम चरण भी यही है कि आपके जीवन में सत्संग है या नहीं, आपके मन में सत्संग की इच्छा होती है कि नहीं, आपके जीवन में सत्संग की अभिलाषा है या नहीं। मैं बहुत बार देखता हूं कि बहुत से लोग सत्संग में आते हैं, वो सत्संग में 3 घंटा बिल्कुल विचारहीन एक जड़ मूर्ति की तरह आते हैं और उठकर चले जाते हैं। हरिनाम होता है, किसी की आंखों से प्रेमाश्रु बहते हैं और किसी की जिह्वा हरिनाम लेने के लिए हिलती तक नहीं, तब समझ में आता है, तब पता चलता है कि वस्तुतः कौन है जो कृपा पात्र है। तो श्री ठाकुर जी पहली बात कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये नीम है, ये नीम है उस मंदिर की, जिस मंदिर में आकर प्रभु कभी विराजमान होंगे इस जन्म में या कभी भी, ये नीम है ये उस मंदिर की जिसमें प्रभु आकर कभी इस जीवन को धन्य करेंगे, कृतार्थ करेंगे, संतों का संग, क्योंकि इसके बिना विवेक नहीं होगा। इसके बिना आपको सोने चांदी के, इसके बिना आपको संसार की संपत्ति और समृद्धि के लोभ से कोई मुक्त नहीं कर पाएगा। कह देना बड़ा सरल है, मैं यहां से खूब सुंदर उपदेश कर सकता हूं कि संसार का विषय निकृष्ट है, संसार का विषय विभत्स है, संसार का विषय पतन कराने वाला है, लेकिन उस पतन कराने वाले विषय से उपरती कौन करा सकता है? सत्संग करा सकता है। भोजन भोजन कह देने से भूख नहीं मिट जाती, संसार के विषय से विरक्ति की बात कह देने से मन संसार के विषय से विरक्त नहीं हो जाता। श्री महाप्रभु तो कहते हैं पारासर सुर इंद्र कल्प कामिनी मन फंद्या, कहां विश्वामित्र का कितना कठोर तप, कितना कठोर परिश्रम कि जड़ से चेतन से जड़ हो गए, शरीर की मूल प्रकृति बदल गई, लेकिन मन की चंचलता नष्ट नहीं हुई, मन की विषय में आसक्ति नष्ट नहीं हुई। ये बात ये सिखाती है कि जो किसी भी साधन से नहीं होता, जो किसी भी साधन से हो नहीं सकता, वो मन का निर्माल्य, वो मन की निर्मलता संत की कृपा से बड़े सहज में प्राप्त हो जाती है। हजारों हजार वर्ष तपस्या करके फिर संसार के विषय में गिरने वाले उदाहरण भी आपको बहुत मिलेंगे, और वाल्मीकि जैसे जिनके मुख पर राम का नाम नहीं आता, और वो वाल्मीकि संत के कहने पर मरा मरा जपते हैं और उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि
भय ब्रह्म समान। ध्रुवदास जी तो कहते कहा ना होई सत्संग ते, बोले सत्संग से क्या नहीं होता। कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम भूले। धूल जल का संग करती है कीचड़ हो जाती है, वायु का संग करती है आसमान छू लेती है, मंदिर के शिखर पर जाकर बैठ जाती है। जब हम श्री ठाकुर जी के लिए गुलाब के फूल की माला लेकर जाते हैं निज मंदिर में, तो माला हाथ में लेकर नहीं जाते, माला पलाश के पत्ते में लिपटी होती है। उस पलाश के पत्ते में कोई ऐसा गुण नहीं है कि वो ठाकुर जी के श्री चरणों के निकट जा सके, ना उसके पास रूप है ना उसके पास गुण है, लेकिन गुलाब की माला का गुलाब रंग पाता है तो ठाकुर जी के मंदिर के भीतर पहुंच जाता है। ऐसे ही जीव के अंदर कोई गुण नहीं है। महापुरुषों का वाक्य है कि जीवा स्वभाव तो दुष्टा। जैसे जैसे भगवान की उदारता, जैसे भगवान की कृपालुता असीम है, ऐसे जीव की कुटिलता भी असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, सर्वम कुर्वंती भगवंतम न भजंती, भजन कर ही नहीं सकता। ये आपके और मेरे स्वभाव में ही नहीं है। आप एक शूकर के सामने 56 भोग धर दीजिए, लेकिन उसको आनंद गंदी नाली बैठने में ही आता है, क्योंकि उसका वो स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। ऐसे ही संसार के विषय में रमना, ऐसे ही संसार के विभत्स विषयों में आनंद लेना, ये जीव की ये मूल प्रकृति है, सहज प्रकृति है, ये छूटती नहीं, ये बात टूटती नहीं। जैसे कहते हैं कि धागों का बन जाए रस्सा तो टूटना मुश्किल, और आदत जो हो जाए पक्की तो छूटना मुश्किल। जीव को आदत पड़ी है संसार की, अभ्यास हो गया है, नहीं छूटता। केवल सत्संग समर्थ है, और वो भी सतत सत्संग, सहज नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा कि उन लोगों के जीवन में भाव तो होता है, लेकिन उन लोगों के जीवन में अनुशासन नहीं होता भजन को लेकर। अभी सुबह कर लिया, फिर कभी शाम को कर लिया, आज कर लिया और कभी नहीं किया। जितना जीवन में भाव का होना आवश्यक है, उतना ही जीवन में भजन करने को लेकर अनुशासन का होना भी आवश्यक है। आपके जीवन में नियम होना चाहिए, आपके जीवन में एक एक सिद्धांत तो होना चाहिए, आपके जीवन में एक कायदा होना चाहिए। स्वतंत्रता एक अलग बात होती है, उच्छृंखलता एक अलग बात होती है। और इसका लाभ क्या होता है? जैसा मैंने अभी कहा कि आपके और मुझ में कोई ऐसा गुण नहीं है जो हम भजन कर लें, लेकिन जैसे गुलाब के फूल का संग पाया तो पलाश भी चरणों के निकट पहुंच गया, ठीक ऐसे ही लकड़ी का संग पाके लोहा भी जल से पार हो जाता है। ठीक ऐसे ही सबसे पहले इस बात को निश्चित कर ले, नियत कर ले कि हे प्रभु, मुझ में ऐसा कुछ नहीं है, न कल था और न कल हो पाएगा कि मैं आपके श्री चरणों के निकट पहुंच सकूं। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने कहा कि हे गोकुलेश, मैं जानता हूं कि आप केवल दीन पर रीझते हैं, और उस दीनता को लाने का प्रयास करता हूं, उल्टे अभिमान और बढ़ता चला जाता है, क्या करूं? दीन हुए बिना आपकी कृपा नहीं होगी, और दीनता किसी भी साधन से जीवन में आती नहीं, तो क्या करूं? फिर अगले श्लोक में कहते हैं, समाधान कर देते हैं कि साधु चरण रज मांझ, व्यास से कोटिक पतित समाद। आपके संतों का अनुग्रह है, आपके संतों की कृपा है, आपके भक्तों का इतना बड़ा अनुग्रह है कि उनका संग पाकर ये कभी ना आने वाला गुण भी मुझ में आ जाता है। चंदन के पेड़ से जो सांप लिपटा रहता है, उस सांप का तन भी सुवासित हो जाता है, वो विषैला सर्प भी सुवासित हो जाता है, और तो और जो कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ को काटने के लिए जाती है, चंदन के पेड़ की सुवास उस कुल्हाड़ी से भी आती है। बड़ी बात इस जीवन में संग की है। अपने मन को टटोलते रहना चाहिए, भले आप भजन करो या नहीं करो, लेकिन अपने मन को टटोलते रहना चाहिए, अपने मन को देखते रहना चाहिए कि मन किसका संग करता है। संग केवल तन से नहीं होता, और तन के संग का दुष्प्रभाव तो थोड़ा है, बड़ी जल्दी उसका निवारण हो जाता है, लेकिन मन जब विषय का संग करता है, मन जब कुटिलता का संग करता है, उसका दुष्प्रभाव बहुत अधिक गहरा पड़ता है, उसकी जड़ बहुत अधिक गहरी है, वो बहुत जल्दी छूटता नहीं। इसीलिए कबीर को कहना पड़ता है कि माला फेरत जुग भया। एक और गोस्वामी जी कहते हैं, भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं।
और दूसरी ओर कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग भया पे फिरा ना मन का फेर। और कर का मन का डार दे और मन का फेर। आप मत करो भजन, आप खूब दुकान पर रहो, खूब व्यापार चलाओ, लेकिन बीच बीच में देखते रहो कि मन कहाँ है। जब आपको अपने मन को देखने की कला आ जाएगी, जब आपकी स्वयं से पहचान होने लगेगी, ये मार्ग बड़ा सरल हो जाएगा, ये मार्ग बड़ा सहज हो जाएगा। तो जो किसी भी साधन से नहीं होता, जो दैन्य जो प्रभु को रिझाता है, नामदेव मंदिर में गए पंढरीनाथ के दर्शन करने के लिए, छिपे हैं, सामने नहीं आते। श्रृंगार आरती का पट खुला और ठाकुर पंढरीनाथ के नेत्र चंचल हो रहे हैं, नैन चंचल हो रहे हैं, यहां देखते हैं वहां देखते हैं। माता रुक्मिणी ने पूछा, आज आपके नेत्र किसको खोजते हैं? कोई आपको खोजे तो समझ में आता है, आप घटघटवासी हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपको भी आवश्यकता है किसी को ढूंढने की। तो ठाकुर जी ने कहा, आज मेरा नामा मंदिर में आया है, उसी को खोजता हूं। अरे मंदिर में आया है तो आपके सन्मुख आ जाएगा। ठाकुर जी ने कहा, यही उसके मन की विवशता है और उसके मन का यही दैन्य, उसके मन की यही विवशता मुझे उसे खोजने पर विवश कर रही है। वो बेचारा मंदिर के किसी कोने में मुंह छिपाए बैठा है, वो बेचारा मंदिर के किसी कोने में दुबका बैठा है और इस बोझ से दबा जा रहा है कि मैं क्या मुख लेकर प्रभु के सम्मुख जाऊं, क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोह, तोहे देख औगुण करूं, कैसे भाऊं तो। नामदेव कहते हैं, प्रभु सदा सर्वत्र आपको साक्षी मानकर भी मेरा मन विषय की ओर जाता है, मन संसार की ओर जाता है, तन से ना होने योग्य कर्म हो जाता है, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोहे, मैं क्या मुख लेकर आपके सन्मुख आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। और हम स्वयं को देखेंगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल इससे विपरीत मार्ग होता है, बिल्कुल इससे विपरीत स्थिति होती है जब हम मंदिर में जाते हैं। बिहारी जी के मंदिर में जाने वाला सबसे पहले अपने गोसाई जी को ढूंढता है, जो 2-500 रुपया लेगा और बिहारी जी की छाती पर ले जाकर आपको खड़ा कर देगा। और जिन लोगों के पास कुछ है, कुछ सामान्य व्यक्ति से कुछ अधिक है, वो व्यक्ति अपना प्रयास करके जाता है, व्यक्ति अपना प्रयत्न करके जाता है। और मैं कई बार कहता हूं कि कोई करता रहे मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी नहीं, और सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, पर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी नहीं। प्रभु के नेत्र तो किसी ऐसे ही जन को ढूंढते हैं जो अपने मन को, जो अपने चित्त को इस दैन्य के भाव से सजा के आया है। जिस दिन आप मंदिर में जाएं और प्रभु के सामने जाने में आपको संकोच हो, अपनी दशा देखकर, अपने जीवन की दिशा देखकर आपके मन में इस बात का संकोच हो कि प्रभु क्या मुख लेकर आपके सन्मुख जाऊं, उस दिन समझना आज आप पहली बार मंदिर में आए हो। उस दिन जानना कि आज भगवान ने आपको बुलाया है, आज प्रभु आपकी ओर देखने वाले हैं, आज उनकी स्नेह दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। श्री महाप्रभु जी का एक वाक्य, बोले भैया तू बालक नहीं भरे वो सयानप, काय कृष्ण भजत नहीं नीके, तोरा मन दर्पण कहलाए, जग से चाहे भाग ले कोई पे मन से भाग ना पाए। आप अपने मन से नहीं भाग सकते, और ये उस अंतर्यामी की कृपा है, ये उस अंतर्यामी का अनुग्रह है कि शुभ और अशुभ कर्म का प्रमाण पत्र वो कर्म करने के साथ साथ तुरंत देता है। हाँ, ये उसकी और विशेष कृपा है कि जब आप अशुभ कर्म करने लगते हैं तो वो आपको कर्म करने से पहले रोकता है, और जब आप शुभ कर्म करते हैं तो कर्म होने के बाद वो आपको अपने अंतर मन का संतोष रूपी प्रसाद प्रदान करता है। और मैं तो अभी किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते हैं, पर मैं सभी प्रश्नों का एक उत्तर देना चाहूंगा कि जिसको भजन करना है वो यदि अपने जीवन में केवल हरि नाम का आश्रय लेता है
और अपने लक्ष्य और उद्देश्य को शुभ रखकर भजन करता रहता है, हरि नाम जपता रहता है, तो जीवन में कभी ऐसी स्थिति नहीं आ सकती कि अध्यात्म के मार्ग पर कोई संशय आए और मन में बैठे प्रभु उसका उत्तर ना दे दें। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदा से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि आपके और उनके बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं आ सकता। गुरु जीव के और भगवान के बीच में द्वार होता है, दीवार नहीं, एक झरोखा है। जिस झरोखे से आपने वहां के प्रकाश का एक क्षणिक अनुभव कर लिया है, जिस झरोखे से आपने उस रस का एक क्षणिक आस्वादन कर लिया है, और उसी क्षणिक आस्वादन को, उसी क्षणिक अनुभूति को अब आपको अपने जीवन की उपलब्धि बनाना है। जो हरिनाम करेगा, जो भजन करेगा, उसको सब उत्तर बिना पूछे मिलेंगे। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे की जय अरदास। और निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, और नजर में शोखी ना हो तो फिर दिलवरी क्या है। और जब बात भगवत प्रेम की हो, संसार का प्रेम भी शब्द से अभिव्यक्त नहीं हो सकता। संसार के साधारण प्रेम के भाव को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य भी शब्दों में नहीं है। फिर ये तो अगाध अबाध प्रेम है, ये शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं होता। और एक बात मैं कहना कभी नहीं भूलता कि ये जितने सारे सद्गुण हैं, ये आते जीवन में सत्संग की कृपा से ही हैं, ये आते जीवन में संत की कृपा से ही हैं। तो श्री ठाकुर जी ने सर्वप्रथम नवदा भक्ति का प्रथम चरण कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। क्या होगा कि जो मन चित्त जो तन मन प्राण बिल्कुल अयोग्य है भजन करने के, वो संत की कृपा से योग्य हो जाएगा। भक्तमाल में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। श्रीनाथ जी के श्री चरणों के सेवक थे श्री कृष्णदास जी अधिकारी। इतना उत्कट उनका श्रीनाथ जी के प्रति सेवा का भाव कि श्रीनाथ जी की सेवा पर अपना पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। और वैसे भी सेवक कहने को सेवक होता है, वस्तुतः तो वो भगवान का स्वामी होता है। श्रीनाथ जी की सेवा पर उनका अधिकार, और ऐसा अद्भुत उनका सेवा का भाव कि संसार में जहां कहीं सुंदर वस्तु देखें, संसार में जो वस्तु उनको उत्तम प्रतीत हो, उनके मन में पहला भाव यही आए कि ये वस्तु श्रीनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाए तो क्या सुंदर हो। और प्रीति न काहू कि कान बिचारे। प्रेम कभी सीधा सीधा नहीं चलता, प्रेम की गति बिल्कुल सीधी नहीं होती, वक्र होती है। एक बार आगरा के बाजार में किसी कार्यवश भ्रमण कर रहे थे, कान में संगीत का सुमधुर स्वर सुनाई पड़ा, बड़ी सुंदर सुमधुर वाणी और साथ में नूपुर की झनकार का स्वर। आकर्षित हुए और उस स्वर का अनुसरण करते करते जहां से स्वर आ रहा था वहां पर पहुंचे। देखा क्या है, एक वेश्या का कोठा है। चढ़ गए उस पर, भीतर जाकर देखा तो एक बड़ी रूपवती कन्या अपने पांव में नूपुर बांधकर बड़ा सुंदर सुमधुर नृत्य कर रही है। कुछ एक विषयी लोग बैठे हैं जो उसके रूप और गुण पर आसक्त हैं, न्यौछावर हुए धन संपत्ति लुटा रहे हैं। कृष्णदास जी ने जैसे ही उस वेश्या का रूप देखा, जैसे ही उसकी सुंदर वाणी सुनी, भगवत भक्त थे। और जैसे कई बार मैं कहता हूं कि सत्संग में आप कितना भी श्रृंगार करके आइए, भगवान तो एक्स्ट्रा मशीन है, वो भीतर का चित्र लेते हैं। भक्त की दृष्टि भी ऐसी होती है, भक्त की दृष्टि स्थूल नहीं रह जाती। जब गोपी कहती है जित देखूं तित श्याम वही है, और उद्धव समझाने आते हैं कि भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान धरो और फिर श्याम सुंदर का दर्शन करो, तो गोपी कहती है उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है, तुझे अभी श्याम सुंदर के अतिरिक्त कुछ और भी नजर आता है, तुझे अभी श्याम सुंदर के अतिरिक्त कुछ और भी अनुभव होता है। एक बार हमारे हृदय से एक बार हमारे भाव से भजन करके देख। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, आठो जाम उधो हमें श्याम ही सो काम। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राण पति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम। श्याम जिए श्याम ही है, श्याम ही है प्राण पिए, आंधे की सिला करी
आधार श्याम नाम उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दो तेरो जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम हम तो तुझे बहुत बड़ा ज्ञानी समझती थी हमने तो सुना है तूने बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे गुरुओं से विद्या पाई है पर उधो तू सब कुछ जानता है लेकिन बंदगी तेरे बस की नहीं है यहाँ दम दम में होती है पूजा सर उठाने की फुर्सत नहीं है हमें प्रियतम का नाम जपने के लिए कोई माला नहीं चाहिए सांसों की माला वे सिमरू में पी का नाम और उन गोपांगनाओं का संग करके ही सूरदास जी कहते हैं उधो सुधो भयो है गोपियों का संग किया गोपियों के भाव का स्पर्श हुआ तब उद्धव ने जाना कि जहां पर मैं खड़ा था उन सितारों से आगे जहां और भी है कुछ और भी है जिसे नहीं जानता था मैं जिसे 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 तमाम वेद शास्त्रों ने आज तक नहीं पढ़ाया आज तक नहीं बताया जिसे सब बड़े बड़े विद्वानों ने जिसे सब आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचे महापुरुषों ने आज तक नहीं जाना आज तक नहीं समझा उसे इन वृंदावन की गलियों में डोलने वाली इन गंवार गोपांगनाओं ने बता दिया इसलिए नारद जी जब भक्त के स्वरूप का वर्णन करते हैं भक्ति सूत्र में तो कहते हैं यथा ब्रज गोपी का नाम बोले बहुत लंबी बात